हाय लिसनर्स, आपका स्वागत है स्पोर्ट्स फटाफट में। आप इस तरह के कार्यक्रम सुनने के लिए हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं यूट्यूब के चैनल पे जिसका नाम है रेडियो द्वारका, फेसबुक के पेज को लाइक कर सकते हैं और चाहें तो हमारी वेबसाइट radiodwarka.com पर भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। नित्यानंदिनी, वन ऑफ इट्स काइंड ऑथेंटिक केरला आयुर्वेदिक पंचकर्मा सेंटर इन द्वारका। आयुर्वेदिक डॉक्टर इज ऑल्सो अवेलेबल फॉर कंसल्टेशन। एक्सपीरियंस द हीलिंग। अब हम आपको बताने जा रहे हैं माउंट अंडर 14 विंटर कप के मैच के बारे में। ये मैच खेला गया था अरिहंत क्रिकेट एकेडमी सेंट मैरी और अरिहंत क्रिकेट एकेडमी सैम इंटरनेशनल स्कूल के बीच में, जिसमें सैम इंटरनेशनल स्कूल की टीम ने टॉस जीता और उसके बाद उन्होंने फील्डिंग करने का फैसला लिया। सेंट मैरी की टीम ने 33 ओवर में 134 रन बनाए और वो ऑल आउट हो गए, जिसमें नमन गौर ने 37 रन की पारी खेली, आदित्य विजयवर्गीय ने 34 रन बनाए, यमन भारद्वाज ने 13 रन बनाए और सैम इंटरनेशनल स्कूल की एकेडमी की तरफ से गेंदबाजी करते हुए चिराग यादव ने 4 विकेट ली 11 रन देकर, लक्ष्य कैंतुरा को 2 विकेट मिली 12 रन देकर और गौरव यादव को 2 विकेट मिली 15 रन देकर। इस टारगेट को चेस करते हुए सैम की एकेडमी 113 रन ही बना पाई 10 ओवर में, जिसमें चिराग यादव ने 20 रन बनाए, पारस गुप्ता ने भी 20 रन की पारी खेली और वहीं पर सेंट मैरी स्कूल की तरफ से गेंदबाजी करते हुए यश सोलंकी को 2 विकेट मिली 13 रन देकर, अनिरुद्ध गुप्ता को 2 विकेट मिली 8 रन देकर। इस तरह से अरिहंत क्रिकेट एकेडमी सेंट मैरी स्कूल ने इस मैच को 21 रन से जीत लिया। मैन ऑफ द मैच रहे नमन गौर, फाइटर ऑफ द मैच मिला चिराग यादव को। सूरज की नारंगी किरणें जैसे ही द्वारका में पड़ती हैं, परमार्थी की टीम उसको सुंदर और स्वच्छ बनाने के लिए निकल पड़ती है। आइए इस प्रयत्न में कुछ कदम आप भी साथ चलें, परमार्थी प्रहरी बनें। अब हम आपको सुनाते हैं डीडीसीए लीग के मैच के बारे में, जो कि खेला गया था स्पोर्टिंग क्रिकेट क्लब और पेलिकन क्रिकेट क्लब के बीच में, जिसमें स्पोर्टिंग की टीम ने पहले बैटिंग की और उन्होंने 40 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 171 रन बनाए, जिसमें मनीष तहलान ने 54 रन की पारी खेली, रमन राणा ने 52 रन बनाए, आशीष चौरसिया ने 3 विकेट ली पेलिकन की तरफ से गेंदबाजी करते हुए 26 रन देकर और रजनीश डागर को 2 विकेट मिली 22 रन देकर। इस टारगेट को चेस करते हुए पेलिकन क्लब की टीम ने 173 रन बनाए 33.5 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर, जिसमें अक्षय सैनी ने 90 रन की बेहतरीन पारी खेली, सिद्धार्थ शर्मा ने 29 रन बनाए, वहीं पर वरुण मलिक ने 23 रन बनाए और स्पोर्टिंग की तरफ से गेंदबाजी करते हुए मनीष तहलान को 3 विकेट मिली 15 रन देकर और दीपक कुमार को 2 विकेट मिली 25 रन देकर। इस तरह से पेलिकन क्लब की टीम ने इस मैच को 3 विकेट से जीत लिया। अगर आप भी डीडीसीए लीग खेल रहे हैं तो आप अपनी फोटोग्राफ अपने नाम के साथ और अपने क्लब के नाम के साथ हमारी ईमेल आईडी radiodwarka@gmail.com पर भेज सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास रिलीज आती है लेकिन हमारे पास फोटोग्राफ ना होने की वजह से हम उसको तैयार नहीं कर पाते हैं। एक बार दोबारा बता देता हूँ, हमारी ईमेल आईडी है radiodwarka@gmail.com। सुनते रहें रेडियो द्वारका, एक कदम कल की ओर।